नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। ले चलते हैं आपको दिन की कुछ खास खबरों की ओर। संभल जिले के चंदौसी तहसील में दलित संगठनों द्वारा एससी एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में निकाले गए जुलूस में शामिल लोगों ने जबरन बाजार बंद कराने के लिए व्यापारियों से मारपीट की। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने दुकान में रखा सामान लूट लिया। विरोध करने पर दुकानदारों को पीटा गया, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़क पर पंडाल लगाकर धरने पर बैठ गए। वहीं जुलूस में शामिल युवकों की भीड़ पूरी तरह अनियंत्रित थी। पुलिस ने किसी तरह जुलूस को नियंत्रित कर तहसील तक ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल युवक पूरे रास्ते भड़काऊ नारेबाजी और जबरन दुकानें बंद कराते रहे। पुलिस पूरी तरह मूक दर्शक बनी नजर आ रही थी। जुलूस के तहसील पहुंचने पर तहसील में भी घंटों अफरा तफरी रही। आज शहर में कुछ गलत लोगों ने जो जुलूस निकाला है, कुछ उसको लेकर कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ खामियां रही हैं, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग कोतवाली में शिकायत करने आया है। क्या मामला है? ये दलित एकता मंच द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसमें कुछ उत्पाती लोगों ने जबरिया मार्केट बंद कराने का प्रयास किया। भीड़ काफ़ी हो गई थी, उसी का लाभ उठाकर ये असामाजिक तत्वों ने उसमें तोड़फोड़ की और उसका संज्ञान लेकर और तथ्यों की जानकारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत करके दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई। व्यापारियों का कहना है कि दुकान में से लूट की भी घटना हुई है, जो भी तथ्य है उसकी जांच की जाएगी। अगर घटना लूट की हुई है तो उस पर।